नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल लिखा है भारत में फार्मास्यूटिकल उद्योग के बारे में। तो देखेंगे इसका एक सामान्य परिचय देख लेंगे और बाजार में इसका आकार क्या है उस पर भी बात करेंगे। निवेश और हाल के विकास के बारे में बात करेंगे, जो विकास हुआ है और इसके लिए सरकारी पहलें क्या हैं उसे भी देखेंगे। तो कोविड पैंडेमिक में भी भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग सकारात्मक रूप से बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कई हमारे देश ने कई देशों को मेडिसिन भी प्रोवाइड करवाई है। ठीक है, इसके परिचय की बात करें तो भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा विधाता है। भारतीय फार्मास्यूटिकल सेक्टर उद्योग विभिन्न टीकों की वैश्विक मांग का 50%, अमेरिका में सामान्य मांग का 40% और यूके में सभी दवा का 25% आपूर्ति करता है। यानी कि भारतीय फार्मास्यूटिकल सेक्टर उद्योग एक बहुत बड़े व्यवसाय के रूप में हमारे यहाँ है। आप समझ सकते हैं कि टीकों की वैश्विक मांग का 50%, अमेरिका सामान्य मांगों का 40% और यूके में सभी दवा का 25% आपूर्ति करता है। भारतीय वैश्विक फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान भी प्राप्त करता है। देश में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का एक बड़ा पूल भी है, जो उद्योगों को एक उच्च स्तर से आगे चलाने की क्षमता रखते हैं। वर्तमान में 80% से अधिक एंटी रेट्रोवायरल दवाओं का उपयोग विश्व स्तर पर एड्स एक्वायर्ड इम्यून डिफिशेंसी सिंड्रोम से निपटने के लिए भारतीय दवा कंपनियों द्वारा किया जाता है। बाजार की अगर बात करें बाजार के आकार की, तो भारतीय फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के 100 बिलियन US डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है और चिकित्सा उपकरण बाजार में 2025 तक 25 बिलियन डॉलर बढ़ने की उम्मीद है। भारत से फार्मास्यूटिकल का निर्यात वित्त वर्ष 19 में 19.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर और वित्त वर्ष 2020 में 13.69 बिलियन US डॉलर जनवरी 2020 तक। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट में बल्क ड्रग्स, इंटरमीडिएट ड्रग फॉर्मुलेशन, बायोलॉजिकल, आयुष और हर्बल उत्पाद और सर्जिकल शामिल इसमें किए गए हैं। भारतीय कंपनियों ने 2017 में US फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि USFDA से 304 संक्षिप्त न्यू ड्रग एप्लीकेशन अनुमोदन प्राप्त किया और 2018 में कुल 415 उत्पाद अनुमोदन और 73 अस्थायी अनुमोदन प्राप्त किए। 70 से 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर के जेनरिक बाजार में देश का हिस्सा लगभग आपका 30% वॉल्यूम के हिसाब से और करीब 10% वैल्यू के हिसाब से है। भारत के जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में बायो फार्मास्यूटिकल, जैव सेवाएं, जैव कृषि, जैव उद्योग, जैव सूचना विज्ञान शामिल है, जो प्रतिवर्ष लगभग 30% की औसत वृद्धि दर से बढ़ने और 2025 तक 100 बिलियन US डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत का घरेलू दवा बाजार कारोबार 2019 में 1.4 लाख करोड़ यानी कि 20.03 बिलियन US डॉलर तक पहुंच गया, जो 2018 में 119.83 करोड़ यानी कि 18.12 बिलियन US डॉलर 9.8% वार्षिक बढ़ गया है। ठीक है, निवेश और हाल के विकास की हम लोग बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुछ शर्तों के अधीन चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक FDI की अनुमति यानी कि विदेशी निवेश की अनुमति देने के लिए फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में संशोधन के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड
द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर ने अप्रैल 2000 और जून 2019 के बीच 16.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एफडीआई एम फ्लो को आकर्षित किया है। भारतीय फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में हाल के कुछ विकास निवेश इस प्रकार रहे हैं आपके। प्रधानमंत्री भारतीय जन धन योजना के तहत सस्ती दवाओं के कारण वित्त वर्ष 1919 में 2019 होगा यहाँ, ठीक है, याद रखिए 1919 कहाँ पहुंच जाएंगे आप। फिर 2019 में भारतीय नागरिकों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की बचत हुई, यानी कि 143.8 मिलियन यूएस डॉलर। दिसंबर 2019 के दौरान वार्षिक कुल मेट आधार पर उद्योगों की वृद्धि 9.8% पर थी, जिसमें 5.3% की वृद्धि दर के साथ नए उत्पादों की वृद्धि 2.7% थी, जबकि वॉल्यूम वृद्धि 2% है थी। ठीक है, अक्टूबर 2019 में तेलंगाना सरकार ने केंद्र सरकार से 3,418 करोड़ रुपए, यानी कि 489 मिलियन यूएस डॉलर की वित्तीय सहायता के साथ हैदराबाद फार्मा सिटी का प्रस्ताव दिया। अगस्त 2019 तक घरेलू बाजार में बिकने वाली बायो सिमिलर अणुओं के लिए वार्षिक कारोबार 1,498 करोड़ रुपए, यानी कि 214.31 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। हेल्थ केयर क्षेत्र ने 2019 की पहली छमाही में आपका 27 सौदों के साथ कुल यूएस 1.1 बिलियन डॉलर की निजी इक्विटी देखी है। इसमें अमेरिका में भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि 2017 से 19 के दौरान 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ब्रांडेड दवाएं ऑफ पेटेंट हो जाएंगी। इसमें सरकारी पहलों की बात करें हम लोग तो भारत में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई कुछ पहलें इस प्रकार हैं। नवंबर 2019 में कैबिनेट ने अंतिम दवा बंद होने तक 109 सॉरी 103 दवाओं की मौजूदा सूची में एक अतिरिक्त उत्पाद यथा एल्कोहलिक हैंड डिसइन्फेक्टेंट AHD को शामिल करते हुए सामान्य नियमों और शर्तों के साथ एक्सटेंड फार्मास्यूटिकल्स परचेज पॉलिसी PPP के विस्तार और नवीनीकरण को मंजूरी दी है। फार्मास्ती PSU की रणनीतिक विनिवेश बजट 2020-21 के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को आवंटन 65,012 करोड़ रुपए, यानी कि 9.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर ये राशि। सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से 34,115 करोड़ रुपए, यानी कि 4.88 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर आवंटित किया है, जिसके तहत ग्रामीण और शहरी लोग लाभान्वित होंगे इससे। स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 6,600 करोड़ रुपए, यानी कि 6,400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार सरकारी व्यय GDP के प्रतिशत के रूप में है ये आपका। 2018-19 में 1.5% बढ़कर 2014-15 में स्वास्थ्य के लिए 1.2% था। यानी कहने का मतलब सीधा सा है कि 2014-15 में आपका 1.2% था, जो इससे बढ़कर आपका 1.5% हो गया 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण में। भारत सरकार ने एंड टू एंड ड्रग निर्माण में भारत को वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनाने के उद्देश्य फार्मा विजन 2020 2020 का अनावरण किया है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई सुविधाओं के लिए अनुमोदन का समय कम कर दिया गया है। इसमें सरकार ने दवाओं की कीमत और उपलब्धता की समस्या से निपटने के लिए ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर ऑफ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जैसे तंत्र की शुरुआत की है।
इसमें आगे का रास्ता क्या हो सकता है उसे भी देख लीजिए। भारत में अगले 5 वर्षों में चिकित्सा खर्च 9 से 12% बढ़ने का अनुमान है, जिससे भारत दवा खर्च के मामले में शीर्ष 10 देशों में से एक बन जाएगा, यानी कि 10 देशों में शामिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए घरेलू बिक्री में बेहतर वृद्धि भी कंपनियों के कार्डियोवास्कुलर, डायबिटीज, एंटीडिप्रेसेंट और एंट्री कैंसर जैसे रोगों के लिए अपने उत्पाद पोर्टफोलियो को संरेखित करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। भारत सरकार ने लागत को कम करने और स्वास्थ्य देखभाल के खर्च को कम करने के लिए कई कदम उठाए। बाजार में जेनेरिक दवाओं का तेजी से परिचय फोकस में बना हुआ है और इससे भारतीय दवा कंपनियों को फायदा होने की उम्मीद है। इसके अलावा ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रमों, जीवन रक्षक दवाओं और निवारक टीकों पर जोर भी दवा कंपनियों के लिए अच्छा है। तो ये था आपका भारत में फार्मास्यूटिकल उद्योग से संबंधित आर्टिकल।